किराना की दुकान का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा ही फायदेमंद रहा है। अगर आपके मन में भी किराना की दुकान खोलने का इरादा है तो इसमें सबसे ज्यादा अहम है दुकान की लोकेशन। जी हाँ, अगर आप किराना की दुकान खोलने से पहले लोकेशन की अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी आपका बिजनेस सफल हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि किराना दुकान को खोलने से पहले जगह लेते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दुकान की विजिबिलिटी। सबसे पहले ज्यादा जरूरी बात है कि आपकी दुकान को कस्टमर देख भी पा रहा है या फिर नहीं। कभी कभी बहुत बड़ी दुकान भी किसी ऐसे कोने में होती है जिन्हें हम चाहकर भी ढूंढ नहीं पाते, इसलिए दुकान की लोकेशन ऐसी हो जहां पर आसानी से आपकी दुकान को देखा जा सके। और अगर दुकान थोड़ी अंदर भी हो तो कोशिश करें कि आप बैनर आदि लगाकर लोगों को इसकी जानकारी दे सकें। लेकिन फिर भी ध्यान रहे, बहुत ज्यादा अंदर ली गई दुकान से कस्टमर जाने से परहेज करता है और वो मेन रोड पर होने वाली दुकानों से ही अपनी जरूरत का सामान ले पाता है। कस्टमर की पहचान। जहां पर भी आप दुकान लेने के बारे में सोच रहे हैं वहां पर सबसे पहले आपको अपनी दुकान को लेकर रिसर्च करने की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत है कि क्या आपकी दुकान के लिए आपको कस्टमर मिल पाएंगे या नहीं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पोटेंशियल कस्टमर और लोगों की ट्रैफिक में अंतर समझना होगा। इसका मतलब है कि कई बार बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में भी आपके बिजनेस के हिसाब से कस्टमर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए ये जानकारी अच्छे से जुटाने वाली जगह पर भी जो लोग आ रहे हैं वो आपके कस्टमर बन सकते हैं या नहीं। लोकेशन लेने से पहले रिसर्च करें। भले ही आप कितनी ही बड़ी दुकान खोल लें और उसमें कितना ही ज्यादा क्वालिटी का सामान भर लें, अगर आपकी दुकान की लोकेशन देने से पहले आपने सही तरह से रिसर्च नहीं किया है तो आपके बिजनेस में आपको मुनाफा नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि मार्केट के बीच और थोड़ा भीड़भाड़ वाले इलाके में दुकान लेने का प्रयत्न करें, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पर दुकान ढूंढते हैं जहां पर लोग कम आते हैं तो हो सकता है आपको रेंट कम लेना पड़े, लेकिन उसी हिसाब से आपके दिन भर के कस्टमर भी कम हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन और आसपास के दुकानदार। किसी भी तरह के बिजनेस के लिए जगह लेने से पहले आसपास में अपने कंपटीशन और साथ में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी लोकेशन पर दुकान लेते हैं जहां पर पहले से ही 3-4 किराना की दुकान है तो फिर से आप भले ही कितना भी प्रयत्न कर लें लेकिन आप अपनी दुकान को नहीं चला पाएंगे। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पर दुकान लें जहां पर आपके कस्टमर किसी दूसरे दुकानदार के साथ बट ना रहे हों। साथ ही आसपास के दुकानदार की भी जानकारी लें। भले ही कोई आपके बिजनेस को असर नहीं डाल रहा है लेकिन आसपास के दुकानदार के व्यवहार का अच्छा होना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि समय आने पर आपके आसपास के लोग ही आपकी मदद करते हैं। इसलिए हो सके तो हल्की फुल्की जानकारी लोगों के व्यवहार के बारे में भी जरूर जान लें। पार्किंग की सुविधा। अगर आप एक बड़ा स्टोर खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो पार्किंग की सुविधा को भी जरा ध्यान में रखें। कोई भी लोग जब भी किसी किराने की दुकान पर आते हैं उन्हें अच्छा खासा समय लगता है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसी जगह पर दुकान लें वहां पर आपके कस्टमर को पार्किंग की सुविधा मिल सके। लोकल तौर पर कानूनी दावपेच। किसी भी तरह के बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कई तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोकेशन के हिसाब से भी बार बार आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए लोकेशन को डिसाइड करने से पहले अपने आसपास के दुकानदार से बात कर लें कि वहां पर किसी भी तरह की कानूनी दिक्कतें ना हो। रेंट पर ध्यान दें। जब भी आपको ही बड़ी दुकान है रेंट पर लेते हैं तो हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्टर से उसकी तरह से बातचीत करके पता कर लेना उनके साथ साथ आपको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वो है कि क्या जनरेटर आदि की सुविधा साथ में आपको मिलेगी, क्या आसपास में पुलिस प्रोटेक्शन आदि उपलब्ध है। इस तरह से आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकान के लिए सही जगह का चुनाव कर सकते हैं। इन सब के अलावा और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि दुकान का इंटीरियर या दुकान की जगह। भीड़भाड़ वाले इलाके में भी ऐसा ना हो कि आपकी दुकान इतनी छोटी है कि लोग उसमें जाने से परहेज करें। इसलिए अगर आपको अपनी लोकप्रिय लोकेशन पर जगह नहीं मिल रही तो किसी भी तरह की बुरी जगह का चुनाव करने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी दूरी पर अच्छी दुकान चुनें। कुछ और आगे चलकर आप अपनी दुकान को ऑनलाइन डिलीवरी आदि के लिए भी खोल सकते हैं, इसलिए बिजनेस में भविष्य को देखते हुए जगह का चुनाव बहुत जरूरी है। इसलिए इसको लेकर सभी तरह के दाव पेच को अच्छी तरह से समझ लेने की जरूरत है। भले ही आप अपना बिजनेस एक महीने देर से शुरू करें लेकिन लोकेशन का चुनाव आप पूरी तरह से रिसर्च करते हुए ही करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।